लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं मुदस्सर राणा। मेड इन पाकिस्तान सीरीज में फिर से हाजिर हैं और इस बार जो चीज़ हम लेके आए हैं वो ऑटो रिक्शा है। आप देख रहे होंगे, आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान है और इसमें इनफरादियत क्या है और बनाने वालों ने के अजाइम क्या हैं ये जानते हैं। हम इन्हें लेके आए हैं इसी रक्षे में। नबील साहब बताइएगा कि ये रक्षा का क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सर ये है कि ये टोटल जो है इलेक्ट्रिक जो है रिक्शा है, इसमें बैटरी है, BLDC मोटर है जिसको लगा के हम बेसिकली एक प्रोटोटाइप है। हमारे पास मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज जो हैं जो ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं, हम उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसका जो डैशबोर्ड वगैरह है उसको हम जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं। हाँ जी, हम उस पर R&D कर रहे हैं चूँकि, तो हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो उन सर्विसेज की कह लें कि हम एक तो टेस्टिंग भी इस पर करते हैं और ख़ुद भी हमने, चूँकि हम कर रहे थे तो हमने कहा चले हम इसको प्रोसीड करते हैं, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो हमने ये एक प्रोटोटाइप बना लिया है, ऑलमोस्ट ये रेडी है, आपने इसकी टेस्टिंग भी की है। तो इसमें जो मेरा राइट हैंड है मेरे साथ, जिन्होंने मेन काम किया है, वो रमज़ान साहब हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर दिन रात काम किया है। कैसे मुख्तलिफ है ये दूसरे रक्षे से? सबसे ज़्यादा जो इसमें ये है कि जो अक्सर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैलती हैं, सबसे पहले हमने इसको इस चीज़ को ख़त्म किया है, ये माहौल का। तो इसके अलावा अगरचे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये खर्चे ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते थे पेट्रोल की वजह से, तो ये इसको बैटरी पे की गए। इसके बाद हम इसमें काफ़ी इंशाल्लाह चेंजिंग ला रहे हैं, इसमें LCD भी लगेगी, इसमें पीछे कैमरा भी लगेगा। हमारी जो सारी टीम है ना, ये सारी की सारी टीम ऐसी है कि जिन्होंने ये अज़म किया हुआ है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ कर जाना है, जिनके लिए अपनी ज़ात मैटर नहीं करती, ये मुल्क मैटर करता है। हम यहाँ पर अंदर बिस्तर भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर होता ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो गया है तो ये बच्चे यहीं पर काम करते हैं, इधर ही सो जाते हैं थोड़ी सी नींद की, उसके बाद फिर उठे फिर काम शुरू हो गए। ये वो लोग हैं, मुल्क ने जो इन्हें दिया, इनकी तालीम पर खर्च किया, ये सूद के साथ वापस कर रहे हैं, मुनाफे के साथ वापस कर रहे हैं, मुल्क को वापस कर रहे हैं। ये वो सोच है जो नए पाकिस्तान की सोच है। अगली प्रोडक्ट के साथ फिर हाज़र होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।